हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट टाइम हमने प्लस वन क्लास का जीरो चैप्टर डिस्कस किया था, जिसमें मैथमेटिकल टूल्स में हमने अलजेब्रा और बायनोमियल थ्योरम के कुछ क्वेश्चंस किए थे और उनके कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को समझा था। आज उसी चैप्टर का, जीरो चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है, उसका नाम है डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंसिएशन में हम कुछ फॉर्मूलेस करेंगे, कुछ फंक्शंस करेंगे और कुछ फॉर्मूलेस के बेस पे हम कुछ चीज़ें याद करेंगे कि उन फॉर्मूलेस को कैसे यूज़ करना है डायरेक्ट न्यूमेरिकल में, ताकि न्यूमेरिकल आए तो सीधा शॉर्टकट वे से हम उसे सॉल्व कर सके। और ये वाले फॉर्मूले आप डायरेक्टली अपने स्कूल एग्जाम्स में भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपके नंबर नहीं कटेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कोई वाई फंक्शन है जो कि एक्स पे डिपेंडेंट है, कोई वाई है जो कि एक्स पे डिपेंडेंट है, तो इसको मैथमेटिकल और फिजिक्स के फॉर्म में लिखेंगे y is a function of x। तो y function है किसका? x का। तो x यहाँ पे क्या है? वेरिएबल है, और y क्या है? डिपेंडेंट। मतलब y की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है और x क्या है? वेरिएबल है। अगर x को वेरी करते जाएंगे तो y की वैल्यू चेंज होती जाएगी। एग्जांपल के लिए अगर मैं मान लू किसी भी टाइम पे y का ये वाला फंक्शन था, मतलब वैल्यू y की क्या थी? x square minus 2। तो अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो देखिए सबसे पहले वैल्यू y की क्या आएगी? 1 square minus 2, जिसको सॉल्व करते ही हमारा आंसर आ गया minus 1। जैसे ही मैंने y x की वैल्यू चेंज की तो y की वैल्यू भी चेंज हो गई। जैसे ही x को 2 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई? पॉजिटिव 2 आ गई। सिमिलरली x को आप नेगेटिव पुट करते, अगर आप नेगेटिव पुट करेंगे तब भी x किधर है, मतलब y की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? पॉजिटिव ही आएगी। तो इससे हमें y का नेचर पता चल गया कि x को चाहे पॉजिटिव रखो चाहे नेगेटिव रखो, लेकिन y की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। कैसे आएगी? अगर हम इसको वैल्यूज को पुट करते जाएंगे। लेकिन अगर ग्राफ बनाना हो तो ऐसे वैल्यूज पुट करने बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाती है, इसलिए किसका यूज करते हैं? डिफरेंशिएशन का, जिसको और टर्म्स में डेरिवेटिव्स भी कहा जाता है। अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो फंक्शन कहलाएगा डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। इसलिए एग्जांपल के लिए मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप लोग उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम जस्ट फॉर्मूला डिस्कस करेंगे और फॉर्मूलाज को याद करेंगे और समझेंगे कि उन फॉर्मूलाज को अप्लाई कैसे करते हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर फर्स्ट फॉर्मूले से। कहता है डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म विद रिस्पेक्ट टू dx। आपको इसको समझना कैसे है कि किसी भी चीज का अगर डेरिवेटिव निकालना है तो आप क्या लिखेंगे? डेरिवेटिव ऑफ जिस चीज का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू, जिसके रिस्पेक्ट के लिए निकालना है, मतलब आपको वो चीज को बेस मानना पड़ेगा। बेस मानकर ही किसी चीज का डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव कर सकते हैं। अगर बेस नहीं माना तो आपका आंसर या आपका लॉजिक गलत है और आप कभी अपने आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे। एग्जांपल के लिए अगर मैंने डिस्टेंस को बेस माना है तो किसी भी चीज़ को डिस्टेंस से डिवाइड करूंगा। अगर मैंने टाइम को बेस माना है तो उसी चीज़ को मैं टाइम से डिवाइड करूंगा। तो एज सिंपल एज दैट शुरू करते हैं। कहता अगर किसी कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव लोगे, मैं डी डी एक्स की जगह पे, देखिए सभी जगह डी डी एक्स चल रहा है, तो इसलिए मैं डी बाई डी एक्स की जगह पे डेरिवेटिव बोलने जा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू जीरो, कि किसी भी कॉन्स्टेंट चीज का अगर आप डेरिवेटिव लेंगे तो वो जीरो आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर पाई एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, इसकी वैल्यू 3.14 होती है, अगर आप उसका डेरिवेटिव लोगे तो वो जीरो के इक्वल होगा। सिमिलरली कोई भी नंबर है 2, 3, 5, 7, जिस किसी का भी आप लोग डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू समथिंग या x, इट विल बी जीरो। इसका ये मतलब है, फर्स्ट फॉर्मूले से हम ये समझेंगे कि जो कॉन्स्टेंट है वो किसी भी x, y, z, टाइम किसी पे भी डिपेंड नहीं करता, मतलब वो कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट ही रहेगा। उसकी वैल्यू ना तो आप बढ़ा सकते हो ना ही कम कर सकते हो। अब पाई की वैल्यू 3.14 है तो वो वही रहेगी चाहे आप उसका कुछ भी कर लीजिए, इसीलिए उसका डेरिवेटिव कीजिए ना कीजिए, लेकिन पाई की वैल्यू उतनी ही रहेगी। इसलिए पाई का अगर हम यहाँ पे पाई पुट करेंगे तो पाई कहेगा कि मुझे चेंज नहीं होना। अगर मेरा डेरिवेटिव करोगे तो मैं जीरो, आपका आंसर जीरो आएगा, मतलब मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो डेरिवेटिव उन चीजों का करते हैं जिन पे फर्क पड़ता है। जैसे कि सेकंड एग्जांपल ले लीजिए, अगर y है cu, where c is the constant,
जहां पे भी फिजिक्स में आपको सी दिखेगा इस चैप्टर में डेरिवेटिव में, उसका मतलब है कांस्टेंट। अगर सी यू का डेरिवेटिव लेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स को ऐसे लिखा और वाई की जगह पे मैंने सी यू लिख दिया, अब जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर आ जाती है और जो बच जाता है वो डी यू बाई डी एक्स बन जाता है। सिमिलरली नेक्स्ट फॉर्मूला करेंगे, इसमें एक लॉजिक है वो बताता हूँ। इफ वाई इज इक्वल टू यू प्लस और माइनस वी, कोई भी फंक्शन है वेरिएबल है, अगर वाई का डेरिवेटिव लोगे तो वो डी यू बाई डी एक्स प्लस माइनस डी वी बाई डी एक्स, अगर यहाँ पे कोई और टर्म भी होती तो उसका भी क्या आ जाता, डेरिवेटिव आ जाता सिंपली। अब है प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, डेरिवेटिव करने के लिए इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल्स का प्रोडक्ट हो रहा है यू और वी का, जैसे ही प्रोडक्ट होगा डी वाई बाई डी एक्स तो इसका फॉर्मूला आपने याद कर लेना, इसके बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल्स हम आगे जाके करेंगे। सिमिलरली इफ वाई इज इक्वल यू बाई वी है तो इसको कैसे याद करना, देखिए वी नीचे है जिसको बेस मानना है, मान लीजिए इस पर वी पे डिपेंड कर रहा है यू, तो v को नीचे लिखेंगे स्केयर की फॉर्म में और उसी v को आगे लिखेंगे, फिर u का डेरिवेटिव माइनस, फिर पहले u लिखेंगे फिर बाद में v लिख देंगे। तो ये वाला जो कंसेप्ट है बहुत ज्यादा यूज होता है आपके न्यूमेरिकल्स में, और एक ये वाला क्योंकि ये बेसिक में आ जाते हैं, ये तो याद हो ही जाते हैं, लेकिन कंफ्यूजन क्या आता है इन दोनों में आता है, तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। v नीचे है तो यहाँ पे भी v का स्केयर, पहले भी v बाद में जो लिख रहा है उसको ऐसे लिखेंगे, और ये तो मैक्सिमम केस में यूज होता है। कहता है अगर वाई फंक्शन है एक्स का और एक्स की पावर है एन, एन कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो अगर इसका डेरिवेटिव लोगे तो वो पावर क्या आ जाएगी, आगे आ जाएगी और एन की पावर एक कम हो जाएगी। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बोलूं वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो डी वाई बाई डी एक्स विल बी टू एक्स पावर टू माइनस वन विच विल बी इक्वल टू टू है, तो इसके लिए भी हमने इसकी एग्जाम्पल कर ली है। नेक्स्ट केस है आपको बुक में शायद ही मिले फिर भी मैं लिखवा देता हूँ, इफ y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल रेज़्ड टू पावर x, e होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये होता है लॉग फंक्शन, अगर इसका आप डेरिवेटिव लोगे तो वो एज इट इज ही रहता है, लेकिन अगर लॉग का करोगे तो वो बन जाता है 1 by x। आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके बाद वाले न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे।